वचन दे नाल गल करन दिया वा कि हानू अपने भरावां दे नाल किस तरह सुलह कर लैनी चाहिए हैगी। वचन कई लोग आ जिहड़े लड़ाई करन वास्ते हमेशा अगे रहिंदे आ, गालां देण वास्ते भी हमेशा अगे रहिंदे हैगे, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुंदी, एक दूसरे की चुगली करन वास्ते भी हमेशा अगे रहिंदे हैगे, पर किते गलबात करके फिर तो जुड़न की वारी आउंदी आ उदों हमेशा पिछे हट जाते है। वह भैन और भरा बहुत सारे भरावान वेख्या वा गा एक दूसरे के नाल जो लड़न वास्ते आते हैं तो बहुत ही फुर्ती दे नाल आके एक दूसरे नू मार दिंदे हैगे। कदी किसे नू गाला कढ़न दी वारी आउंदी अपने भरा नू, ते गाला वी अहीं वाकई विच बड़ियां तेजी च गाला कढ़ लैंदे, उहदे साडी जबान वी बहुत चलदी हैगी, पर कदी कदी अहीं लोकां नू चुगली करन वास्ते वी लोकां दे घर घर जाके फिर के अहीं दस दिंदे हैगे कि साडे भरा ने इतरा कीता वागा, पर वचन कहिंदा वा जदों तेरा भरा कल्ला होएगा जाके उहदे नाल सुलह कर, पर सुलह कल्ले नू जाके सुलह करन वास्ते साडे वास्ते बड़ा ही औखा हुंदा वा। ओ भैण भरावो, मारना, लड़ाई करना, गालां देना बड़ा ही आसान आ, पर जाके फिर तो सुलह कर लेना ये सब तो ज़्यादा मुश्किल दा काम आ। सुलह भला कौन करता वा, सुलह कौन करता वा? ओ इंसान जाके सुलह करता वा अपने भरा दे नाल जिहनू परमेश्वर का डर हैगा, जिहदे अंदर परमेश्वर का वचन आ, जिहदे अंदर परमेश्वर का वचन जिहड़ा वा काम करता वा, क्योंकि इस करके वो वचन उहदे अंदर काम करता वा, परमेश्वर की आत्मा उहदे विच आ, इस करके वह जाके अपने भरा दे नाल सुलह कर लूगा। पर जिहदे अंदर वचन नहीं आ, जिहदे अंदर परमेश्वर का डर नहीं आ, वह कभी भी जाके अपने भरा दे नाल सुलह नहीं गा कर सकता। ओ भैण और भराओ, वचन विच लिखिया वा कि परमेश्वर ने जगत दे नाल इन्ना प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह नू हाडे वास्ते दे दिता। प्रभु यीशु मसीह ने जान इस करके हाडे वास्ते दिती आ क्योंकि वह सानू बहुत ज़्यादा प्यार करता वागा, हाडे वास्ते इस दुनिया में आया वा। अही अपने भरावां नू प्यार करने आ, कितना पता लगेगा जो अही भी अपने भरा वास्ते अपने भरा कोल जावांगे, जो उहदे नाल सुलह कर लांगे, इहदे नाल पता लगेगा कि अही भी अपने भरा नू प्यार करने आगे। ओ भैण भरावो, गल्लां दे नाल बहुत लोग कहिंदे आ कि मैं प्यार करना वा, पर जदों उहदी कम्मां दी वारी कम्मां दे नाल दसण दी वारी आउंदी आ उदों हमेशा भरा जिहड़े आ पिछे हट जाते हैं। वो भैन और भराओ, लोगों वेख्या होगा कभी कभी अं लड़ाई करने हैं, झगड़ा करने हैं, गाला दिने हैं गे, और ये सब करन लगे सानू बिल्कुल शर्म नहीं आती, अहीं बहुत ही फुर्ती दे नाल करने हैं, पर जदों आउंदी हैगी वापस मिलन जुलन की वारी जाके कल्ले दे नाल गल करन की वारी उदों सानू बहुत ही ज़्यादा शर्म आउंदी हैगी। वो भैन और भराओ, वचन कहिंदा वा गा जदों तेरा भरा कोई अपराध करता वा, गलती करता वा, तो तेनों अपने भरा दे नाल सुलह कर लैनी चाहिए आ। किस तरह सुलह कर लैनी चाहिए आ? कल्ले नू वेख के उहदे कोल बह के उहनू समझाउणा वा, जदों कल्ले नू वेख के अहीं उहनू समझावांगे उदों जरूर समझूगा और तेरा आदर भी करूगा। पर अहीं की गलती करने आ जदों साडे भरा दे नाल लड़ाई और झगड़ा हो जाता वा, अहीं उसे वेले उहदे नाल गल करना बंद कर दिंदे आ, उहदे नाल गल करना बंद करके दूसरे तीसरे इंसान नू जाके उहदे बारे विच दसने आ कि मेरे भरा ने इतरा किया, मेरे भरा ने इतरा किया, इतरा करके अहीं होर भी ज़्यादा गल नू वधा दिंदे आगे। ओ भैण और भराओ, वचन विच लिखिया वा कि जदों तेरा भरा कोई गलती करे तो कल्ले विच जाके गल करी, पर अहीं दूसरी गलती की कर रहे हैं जो साडा भरा कोई गलती करता वा, जो कोई दूसरा सानू कहिंदा वा कि जाके अपने भरा दे नाल सुलह कर ला, तो अहीं की करने आ, अहीं जांदे नहीं आ, अहीं 10 लोगों नू जाके दस के 10 जणियां नू अपने नाल लै के फिर अपने भरा को आने कि वेख सुलह करन वास्ते। ओ भैण और भराओ, वचन कहिंदा वा कि जे तेरे भरा ने कोई गलती कीती आ तो कल्ला पहलो जा, गल कर, फिर वो तेरी गल नू सुनूगा, जदों तेरी गल नू सुनूगा उदों समझी कि तू अपने भरा नू फिर तो पा लिया वगा। ओ भैण और भराओ, पर अहीं गलती इहो जी करने आ
कि अही 10 लोगों नू अपने नाल लै के चल जाने अगे, होर भी उत्थे खलारा पा दिने, होर भी गल नू वगाड़ लैने अगे। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वा। तुसीं कितरा रहिंदे जे अपने भरावां दे नाल, मिल जुल के रहिंदे जे, प्यार दे नाल रहिंदे जे, गलबात करन वास्ते अगे जांदे जे, कि तुसीं 10 लोगों नू अपने नाल लै के जांदे जे। ओ पैनो प्रो, वचन विच लिखिया वा कि कल्ले नू वेख के जाणा मगा। बहुत सारे लोग लड़न वास्ते